स्टार्ट करें। वो आप देख लेना, जब प्रैक्टिकल का टाइम आएगा तो आप आपको बता दिया जाएगा। सही है। क्लास थ्री का फोल्डर बनाता हूँ मैं, CLA SS-3। अच्छा क्या रखना है फाइल का नेम? सही। अच्छा बॉयलर प्लेट हम रेडी कर लेते हैं अपनी, एक्सक्लेमेशन मार्क टैब। सर एक बात है, यस नहीं है? हाँ तो अगर आपके पास नहीं है ना तो अच्छी बात है। इनिशियली आप पूरा जितना ज्यादा पूरा लिखोगे ना उसका उतना ज्यादा फायदा है, ताकि आपको चीजें याद रहें, वरना ये जो बॉयलर प्लेट है ये याद नहीं रहती है। कि आपके पास एक HTML का कंटेनर है, उसके अंदर आपके पास दो चाइल्ड हैं, फिर आपके पास एक हेड के अंदर एक चाइल्ड होगा और फिर बॉडी के अंदर, ये चीजें याद हैं? सही है, तो अच्छी बात है। चलो मुझे दिखाना अगर लैपटॉप है तो मैं देखूं। कंप्यूटर है। CLA SS-03 1LEAR सेव किया। बिल्कुल TV। ठीक है, सबको नजर आ रहा है? ठीक है। अच्छा लिंक्स का पहले मैं चैप्टर खोल लेता हूँ। 1 and 8। ठीक है। अच्छा इस पे आपको जो इनिशियल पॉइंट्स बता रहा है ये क्रिएटिंग लिंक्स बिटवीन पेजेस, ठीक है, इसका मतलब है आपकी वेबसाइट्स जो है उसके अपने स्पेसिफिक पेजेस कितने होते हैं, या उनमें आप अगर लिंक बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट है लिंकिंग टू अदर साइट्स, एक वेबसाइट से अनदर वेबसाइट पे अगर आपने कोई लिंक करवाना हो तो ये काम कैसे होगा। ठीक है। तीसरा जो है ईमेल लिंक है, इसका मतलब है जो कभी कभी कहीं पे लिखा हुआ होता है ईमेल क्लिक हियर टू ईमेल, उसके ईमेल पे आप क्लिक करोगे तो उसका ईमेल फॉर्मेट में जाके आपके पास खुल जाएगा। ये तीन मेन मेन लिंक्स हम देखेंगे इस चैप्टर में। और इसके अलावा यहाँ भी यही बता रहा है लिंक्स फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट, एक पॉइंट हो गया हमारे पास। ठीक है, हम प्रैक्टिकल करते करते चीजें खुद देखते हैं। आप देखो मैं फोल्डर किस तरह बना रहा हूँ, ये मेरा एक मेन फोल्डर है जिसमें इंडेक्स की फाइल रखी हुई है। सही है। इसके अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया कॉन्टेक्ट का, सही है, उसके बराबर में मैंने बनाया अबाउट का, ABOUT। ठीक है। और जी अलग फोल्डर में किसी वजह से बना रहा हूँ, अभी आप देखोगे, थोड़ा सबर करो ना। ठीक है। और यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ जिसका नाम है प्रोफाइल, PROFI। सही है, सही है, ओके। हाँ कॉन्टेक्ट के अंदर प्रोफाइल का फोल्डर बनाया है। ठीक है, सबको नजर आ रहा है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब देखो मैं यहाँ पर गया, और अगर मैं अपने नेविगेशन में देखूँ तो रूट जो है मेरा, वहां पर मेरे पास अबाउट है और कॉन्टेक्ट है। ठीक है, मैं अबाउट के अंदर और कॉन्टेक्ट के अंदर उनकी एक रिस्पेक्टिव फाइल्स बना लेता हूँ उनके नाम की। अबाउट के अंदर मैं गया, यहाँ पर मैंने लिखा about.html। सही है। इधर में आया OLAC V। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइटल में ताकि आपको पता रहे, ABOUT। और यहाँ मैंने लिख दिया अबाउट स्क्रीन। सही है।
क्लियर है? ओके ठीक है, इसी तरह मैं करता हूँ कॉन्टेक्ट में, कॉन्टेक्ट के अंदर दो आ रहे हैं, आप जिस पे क्लिक करोगे उसके अंदर फाइल बनेगी। मैंने इस पे क्लिक किया, उसके बाद cact.html, ठीक है, ये आपको बता रहा है कि भाई कॉन्टेक्ट के अंदर फाइल बनी है, एक फोल्डर के अंदर दूसरे फोल्डर होंगे तो जिस पे क्लिक करोगे उसके अंदर फाइल बनेगी। यहां पर मैंने लिख दिया कॉन्टेक्ट cuntact, और यहां पर मैंने लगा दिया कॉन्टेक्ट स्क्रीन, ठीक है, तीन फाइल्स हमारे पास हो गई, ठीक है। और एक यहां पर जाते हैं, कॉन्टेक्ट को मैंने खोला, उसके अंदर अब मुझे बता रहा है कि एक मेरी contact.html की फाइल पड़ी है और एक मेरा प्रोफाइल का फोल्डर है, ठीक है। प्रोफाइल के फोल्डर में एक फाइल बना लेते हैं pro.file.html, ठीक है, यहां पर आया, डेटा को कॉपी किया मैंने, ठीक है, profiles भी सही है। अपनी वेरिफिकेशन के लिए एक दफा मैं फोल्डर में जाके देख लेता हूँ कि क्या कहीं मैंने कुछ मिस्टेक्स तो नहीं करी हुई। अबाउट के अंदर मेरी अबाउट की फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, कॉन्टेक्ट के अंदर मेरी जो है कॉन्टेक्ट की फाइल है और प्रोफाइल का फोल्डर है, सही है, प्रोफाइल के फोल्डर में मेरी प्रोफाइल की फाइल है। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, अच्छा मैं आ गया index.html की फाइल पे, लर्निंग लिंक्स, ठीक है। तो यहां पर मैं एक छोटी सी नेविगेशन बना रहा हूँ, ठीक है, और उसके अंदर हम अपने लिंक्स लगाएंगे। सबसे पहले मैं आपको लिंक का एक टैग बता देता हूँ कि इसके लिए टैग कौन सा यूज करेंगे और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। लिंक बनाने के लिए हम यूज करेंगे ए का एलिमेंट, सही है, किसका एलिमेंट, ए का, ठीक है, ये आपका काम आएगा आपके लिंक्स बनाने में। जब भी किसी चीज को आपको लिंक बनाना हो उसके लिए आप यूज करोगे ए, ठीक है। अच्छा अभी हमने क्या नहीं पढ़ा, एट्रीब्यूट्स नहीं पढ़े, ठीक है। किसी भी एलिमेंट को अगर आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी हो तो उसके लिए आप यूज करोगे एट्रीब्यूट्स, ठीक है। एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो आपके हर एलिमेंट के ओपनिंग टैग में लगेंगे, ठीक है। अच्छा एचरेफ को जो है एक एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड है, ठीक है, हर एलिमेंट को हर एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड नहीं होगा। रिक्वायर्ड का मतलब अगर वो होगा तो वो काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा, ठीक है। ए को जो है एक एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड है, उसका नाम है एचरेफ, और उस एट्रीब्यूट जो होते हैं की वैल्यू के पेयर्स होते हैं। मैंने लिखा एच आर ई एफ, ये मैंने लिखा एट्रीब्यूट का नाम, ठीक है, इज इक्वल टू डबल कोटेशन, यहां पर जो आएगा वो मेरा लिंक आएगा जहां मैंने जाना है, क्लियर है। अच्छा ये हमारा ए का एलिमेंट हुआ, ठीक है, और ये जो मैंने हाईलाइट करा है ये मेरा एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए एक एट्रीब्यूट हुआ एचरेफ के नाम का, जो कि की वैल्यू का पेयर है। एचरेफ जो है एट्रीब्यूट नेम है, और ब्रैकेट में जो डबल कोटेशन है यहां पर आपकी वैल्यू आएगी। मैं राइट नाउ के लिए यहां पर गया, और अगर मैंने यहाँ पे गूगल खोला, सही है, इसका मैं इनिशियल पाथ जो है इसको खत्म करता हूँ, इसको मैंने खत्म किया, कंट्रोल है कंट्रोल सी डब्ल्यू, और एचरेफ में मैंने पास कर दिया, किसका पाथ, गूगल का पाथ, ठीक है। तो एचरेफ आपका एट्रीब्यूट है जो ओनली यूज होगा ए के एलिमेंट में। एट्रीब्यूट सिर्फ ओपनिंग टैग में लगते हैं, क्लोजिंग टैग में नहीं लगते। एट्रीब्यूट्स की वैल्यू के पेयर्स होते हैं, की मतलब एट्रीब्यूट नेम, और कोटेशन में एट्रीब्यूट की वैल्यू, सही है। इसको चलाकर देखते हैं कैसा आता है, सेव किया मैंने, रिफ्रेश किया, कुछ नहीं आया, क्यों नहीं, मैंने अभी तक एलिमेंट के अंदर कुछ लिखा नहीं है, सही है। मैं यहां पर आया, मैंने लिखा गो टू गूगल, सही है,
उसने ये एक आपके पास एक एट्रीब्यूट रेंडर हुआ है, ठीक है, जिसपे अगर आप क्लिक करोगे तो वो आपको, अगर आप नीचे देखो तो वो बता रहा है पाथ के भाई आप इस पाथ पे रिडायरेक्ट हो जाओगे जब आप इस पे क्लिक करोगे। मैंने इस पे क्लिक करा तो मैं रेंडर हुआ और गूगल पे शिफ्ट हो गया। ये आपका कहलाता है वन साइड टू अनदर वेबसाइट, ठीक है, इट इज कॉल्ड वन साइड टू अनदर वेबसाइट। रेफरेंस रेफरेंस के और बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं इस वजह से, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है लिंक फ्रॉम वन साइट टू अनदर वेबसाइट, इट इज कॉल्ड दिस। सही जो गूगल का एड्रेस था ये वहां पे गया कैसे? यह मैंने बता तो रहा हूँ, एट्रीब्यूट के वैल्यू में मैंने पास करा है। एचरेफ मैंने एट्रीब्यूट लिखा इज इक्वल टू डबल कोटेशन, इसमें एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी जो ये आपका एड्रेस को पकड़ेगा, जो एड्रेस आप इसको दोगे अगर वो सही होगा तो ये वहां ले जाएगा। अच्छा ये मैंने किया तो है आपके सामने, कॉपी कॉपी करके यहाँ लिखा है। अगर आप यहाँ पे YouTube पे लिखना चाहो तो चलिए जो शुरू में वो आता है HTTPS यस, ये लगाना जरूरी है या सिर्फ डायरेक्ट YouTube.com मिलता है? कोटेशन मार्क ये इस्तेमाल किए हैं चला के देखें, हाँ कैसे ट्रैकर सेव किया। यानी हाँ हाँ दर्शन सही है। सही है, चले, नहीं मिला क्योंकि आपको पूरा यूआरएल देना है। आपको डायरेक्ट अगर अदर वेबसाइट का यूआरएल देना है तो एग्जैक्ट आपकी साइट से कॉपी करके देना है। आपको क्या नहीं देना, जैसे मैंने जब गूगल पे कॉपी किया था, जब मैंने गूगल लिखा था, तो ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये आप देना चाहो तो दे दो, नहीं तो आपको ये यूआरएल देना है, ये जो आर। सही है, जैसे अगर अब अगर हम जाएं यूट्यूब पर तो इस पे क्लिक करा, बिल्कुल सेम रेंडर हुई है, कॉपी डब्ल्यू, और इसको भी खत्म करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट टी, इधर मैंने पार्ट डाला। सही है, यूट्यूब का पार्ट, और इसको कॉपी करा यहाँ तक, सेव किया, बिल्कुल वो यूट्यूब पे लेके जा। अगर अदर वेबसाइट्स का यूआरएल आपको देना है तो बिल्कुल आपको एक्यूरेट देना है, क्योंकि ये सिर्फ आपके पाथ को सही पकड़ेगा, अगर सही पाथ होगा तो देगा, अदरवाइज एरर आपके सामने आए, ठीक है। ये जो आपका होता है इट इज कॉल्ड वन साइट फ्रॉम टू अनदर वेबसाइट लिंकिंग, सही है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ इसी को लेकर थोड़ा सा चलते हैं कि जब मैं क्लिक करूँ यहीं पे ओपन ना हो, अगले पेज पे ओपन हो, उसके लिए आप इसको मजीद बताओगे, आप इसको इस टैग को मजीद इंफॉर्मेशन दोगे। अब मैं एक एट्रीब्यूट यूज करूंगा उसके लिए, विच इज कॉल्ड टारगेट, ठीक है। मैंने टारगेट का एट्रीब्यूट लगाया, TARGET इज इक्वल टू दिस। टारगेट का एट्रीब्यूट जो है वो बोलता है कि अगर आप, ये सिर्फ एक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, कोई दूसरे नहीं करेगा, विच इज कॉल्ड अंडरस्कोर ब्लैंक, BLANK अंडरस्कोर ब्लैंक। अगर आप ये वैल्यू इसको दोगे तो ये आपकी साइट को न्यू टैब में ओपन करके देगा, ना के वहीं पर। सेव किया, रिफ्रेश किया, मेरा पेज यही है, कहीं नहीं जाएगा, गो टू यूट्यूब, उसने अलग पेज पे रेंडर किया। अब आपने क्या देखा, एट्रीब्यूट्स हमने देखे, की वैल्यू के पेयर्स होते हैं जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होते हैं अपने एलिमेंट्स के, ठीक है, और ओपनिंग टैग में डिफाइन किए जाते हैं। सही है, किसी को इश्यू तो नहीं है यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, लिस्ट हमने बहुत डिटेल में पढ़ी थी, ठीक है, एक ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं, अनऑर्डर लिस्ट, यूएल, क्लियर है, ठीक है। हाँ, वो भी बनाते हैं, एक शॉर्ट की बता रहा हूँ, वो अगर नोट करना चाहो तो लिख लेना। मैंने सपोज करो कि लिंक्स बनाने हैं तीन, ठीक है, तो आपने LI लिखा, लगाया मल्टीप्लाई थ्री टैब, सही है।
ऐसे ऐसे करोगे तो आपके पास तीन लिंक्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है, अल्टरनेट शिफ्ट है, सही है। अच्छा यहाँ पर जो भी लिखूंगा वो मेरे पास लिस्ट में रेंडर होगा, सही है। मैंने यहाँ पर बनाया एक टैग, आप लिस्ट में बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जो मैंने फोल्डर्स बनाए थे उनका नाम, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा ABOUT, अबाउट, ठीक है। उसके बाद मैंने ए को दोबारा कॉपी किया, CV, और इसके बाद दोबारा कॉपी करा V। मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्टेक्ट, सही है, और यहाँ पे लिखा प्रोफाइल, सही है। अभी मेरे ख्याल से मैं अगर इसको सेव करके आगे जाऊंगा तो ये एरर देना चाहिए इसको, अगर नहीं देगा तो देख लेंगे क्या इश्यू है, ठीक है। कोई एरर नहीं दिया, रेंडर हो गया, सही है। लेकिन अगर मैं इन पे क्लिक करूंगा तो ये किसी काम के नहीं है, ठीक है, सिर्फ मेरा पेज रेंडर कर रहे हैं, ये अभी किसी काम के नहीं, ठीक है। थोड़ा सा बुक पे चलते हैं, एक चीज आपको बतानी पड़ेगी थोड़ी सी डिटेल में, जब तक वो नहीं समझ में आएगी तो आपको लिंकिंग टू वन पेज टू अनदर नहीं समझ में आएगी। इट इज कॉल्ड, एक थोड़ा सा नया टॉपिक है, उसका नाम है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। किसी को मालूम है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, किसी ने पहले पढ़ा है, आपने पढ़ा है? नहीं, फर्स्ट क्लास, सही है, ठीक है। हम देखते हैं इसमें डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समय बता रहा है, नहीं है यहाँ पर, किसमें लगाना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स एक टॉपिक का नाम है, ठीक है। वो पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वन वन पेज टू अनदर पेज सेम साइट पर कैसे जाना है। सेम साइट मतलब आपके जैसे कि अभी मैंने फोल्डर बनाए हैं, कॉन्टेक्ट का हो गया, प्रोफाइल का हो गया, अबाउट, ये आपके हो गए साइट के पेजेस, अनदर साइट नहीं है, आपकी साइट है, उन पे कैसे जाना है उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं या उन पे काम कैसे किया जाता है, ठीक है। लिंकिंग टू दी अदर पेजेस ऑन द सेम साइट, सही है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स का टॉपिक आ चुका है, ठीक है, ये रहे, सही है। 1 मिनट में आता हूँ मैं, ताकि आपको थोड़ा ब्लैक बोर्ड पे डिटेल में समझाऊं, उसके बाद जो बात करते हैं। सर, ये बोलना टेलीफोन डायरी करी नहीं नहीं वो नहीं, ये दूसरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर था सर, मार कर दिएगा। करने दो, मसला नहीं, ये सक्सेस की निशानी है। अच्छा आप इसको देखो गौर से, किसको, फोल्डर को, हाँ बोर्ड तो नहीं आएगा ये, आपको थोड़ा मैं इस पे भी समझाऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा इधर बताऊंगा कि हो क्या रहा है। ये हमारी आज की क्लास का फोल्डर है, ये मेरी मेन फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा मेन फाइल मतलब रूट, क्या मतलब, जो आपके करंट फोल्डर का लोकेशन है। अगर आपको देखना है कि वहां पर क्या पड़ा हुआ है, उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा .slash। मतलब अगर मैं .slash लगाऊं तो वो मुझे बताएगा कि यहाँ पर आपके पास ये दो चीजें पड़ी हुई हैं इस समय, सही है, स्लैश HREF के अंदर, HREF की वैल्यू के अंदर, ठीक है। अब सपोज करो कि मुझे जो है यहां से बाहर जाना है, इससे बाहर मतलब बैक स्पेस करा यहाँ पर, तो फोल्डर से बाहर जाने के लिए आपको लगाना पड़ेगा .slash, ठीक है। ये हो गई दो चीजें, दोबारा अपने फोल्डर में जाते हैं जी, ये फोल्डर के बाहर जाने के लिए, ठीक है। अच्छा अब मैंने देखा कि मेरे करंट डायरेक्टरी में मेरे पास जो है ये तीन चीजें पड़ी हुई हैं, मैंने मुझे अब जाना है अबाउट के अंदर, ठीक है। करंट डायरेक्टरी में मैंने चेक करा, किस कैसे चेक करेंगे, .slash, उसने बोला कि आपके पास तीन चीजें हैं, मैंने बोला अबाउट ABOUT, सही है। फोल्डर के अंदर जाने के लिए जैसे कि ये अबाउट है, उसके लिए आपने लगाया स्लैश और आपकी फाइल का जो नाम है वो,
बस ये क्या है, रूट डायरेक्टरी चेक करने के लिए कि आप जहाँ करंट खड़े हो वो कैसे चेक करेंगे। ये क्या है, अपने जिस फोल्डर में खड़े हो उससे बाहर कैसे जाना है। ये क्या है, किसी फोल्डर के अंदर कैसे जाना है। ठीक है, इस जी लिंक कैसे लगाना है, लगाना है सिर्फ में, क्योंकि आप हर ये वाला। ठीक है, डॉट स्लैश क्या कह रहे हैं, करंट डायरेक्टरी पे क्या पड़ा हुआ है। मैंने बोला करंट डायरेक्टरी में जो भी पड़ा हुआ है उसमें से आप उठा लो अबाउट। हाँ हाँ भी करेंगे, थोड़ा सा थ्योरी समझो उसके बाद हम करेंगे। करंट डायरेक्टरी पे मैंने बोला अबाउट, स्लैश लगा के अंदर गए, उधर उसने जो भी चीजें बताई मैंने बोला जो फाइल नेम है वो उठा लो। सही है, करके देखते हैं। अच्छा, करंट डायरेक्टरी कैसे चेक करेंगे अभी बताया है। डॉट स्लैश, डॉट स्लैश उसने मुझे बता दी तीन चीजें, अबाउट, कॉन्टेक्ट और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। मैंने मैंने क्या मैंने एक टैग में क्या पास किया हुआ कि मुझे अबाउट पे जाना है, तो मैंने बोला अबाउट, उसने बोला इसके अंदर अबाउट डॉट एच टी एम एल, मैंने बोला मुझे यही जाना है। सही, बस सेव किया, चलाकर देखते हैं, रिफ्रेश, अबाउट स्क्रीन, जबरदस्त। ये आपकी है लिंकिंग टू सेम पेजेस ऑन दी सेम साइट। ठीक है, वापस आते हैं, अब हम जाते हैं कॉन्टेक्ट स्क्रीन में। ठीक है, बताओ आप लोगों ने बताना है क्या लिखना है करंट डायरेक्टरी के लिए। डॉट स्लैश, अब कॉन्टेक्ट स्लैश कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल। सही है, जाकर देखें, सेव किया, रिफ्रेश, कॉन्टेक्ट स्क्रीन सक्सेसफुली रेंडर। ठीक है, अच्छा अब जाना है प्रोफाइल पर, वहां चलते हैं, रूट डायरेक्टरी डॉट स्लैश कॉन्टेक्ट, अबाउट नहीं है, अबाउट में नहीं है, वापस बाहर आ गए, कॉन्टेक्ट प्रोफाइल प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल। क्या देखा आपने, जब आपको किसी फाइल को छोड़ के अंदर फोल्डर में ही जाना है तो आप फाइल का नाम नहीं लिखोगे, डायरेक्ट फोल्डर का नाम लिखोगे। पहले हम कॉन्टेक्ट में गए, फिर हम प्रोफाइल में गए, उसके अंदर प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल मिला, हमें वहीं जाना है। सही है, सेव किया, प्रोफाइल पे क्लिक किया, दिस इज अ प्रोफाइल स्क्रीन। डायरेक्ट डायरेक्ट कैसे भाई, ऐसे ही जाएंगे, डायरेक्ट डायरेक्ट कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही करना पड़ेगा। सर वो बोल रहे हो, आपने छोटी स्क्रीन खोली अपनी माय फाइल की, ठीक है, उससे यूं फोल्डर उठाया और वहां पेस्ट कर दिया। नहीं, वर्डप्रेस थोड़ी हो रहा है यहाँ पे, वो वर्डप्रेस वाला काम है, इस पे नहीं चलेगा। ठीक है, अब जो है जो हमारी अदर्स स्क्रीन है, ये लिस्ट वहां भी रेंडर करते हैं उनकी हेडिंग्स के साथ, और उनके साथ ही वापस आएंगे, बैक का बटन हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पर मैं एक और लिंक बना देता हूं, सी तो मैंने वी किया और यहाँ कर लिया अपना होम, और यहां पर क्योंकि मुझे इनिशियल कहीं नहीं जाना तो इसको मैं कोई पाथ नहीं दूंगा। सेव किया, रिफ्रेश, होम पे कहीं नहीं जा रहा। सही है, ठीक है, मैंने इस पूरे यूएल को कॉपी करा और मैं ले गया अबाउट की फाइल में। ठीक है, सारे लिंक्स को हम खत्म करते हैं। ठीक है, हमारे पास अबाउट की स्क्रीन है। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि अबाउट हम अबाउट पे ही खड़े हैं तो अब ये जगह एम्प्टी रहेगी। सही है, हमें होम पे जाना है, करेंट डायरेक्टरी डॉट स्लैश अबाउट डॉट एच टी एम एल, बाहर कैसे जाएंगे, डबल डॉट स्लैश, इसको मैंने खत्म किया, डबल डॉट स्लैश, उसने बोला आप फोल्डर से बाहर आए, आपको ये चीजें मिल रही हैं, होम के लिए हमारे पास है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। क्लियर है सबको, क्लियर जी सर, हुआ सबको, क्या इशू है, ऊपर एम्प्टी से अच्छा वो एम्प्टी के लिए हैश यूज कर लो, कर सकते वो पहले मसला करता था, अब नहीं मसला करता।
अब नहीं करता, तभी तो मैं कुछ नहीं लगा रहा। ठीक है, देखो इस भाई के लिए थोड़ा सा दोबारा से आते हैं। मुझे जो है अपने अबाउट के फोल्डर में जाना है, ठीक है। तो अब अगर जैसे कि ये मेरा इनिशियल रूट फोल्डर है जिसको मैंने अभी वीएस कोड पे ओपन किया हुआ है, ये आपका रूट है, सही है। रूट पे क्या क्या रखा हुआ है उसके लिए आपके पास है डॉट स्लैश, कहाँ पास होगा, एचरेफ के एट्रीब्यूट की वैल्यू में, ठीक है। रूट के लिए जब डॉट स्लैश है तो मैंने लगा दिया डॉट स्लैश, उसने बता दिया रूट पे ये रखा हुआ है, ठीक है। जब आपको उसमें से किसी फोल्डर में जाना है, फोल्डर का नाम लिख दिया मैंने, अबाउट स्लैश लगा दिया, ठीक है। अब आपको कौन से जिस फाइल पे जाना है उस फाइल का नाम पास कर दो, अबाउट डॉट एच टी एम एल आ रहा है, मुझे इसी में जाना है। सर ये खुद ही बता देगा खुद ही नहीं बताएगा, मैंने तो चीजें करी हुई हैं, आपको नाम लिखने हैं पूरे, ये आपको खुद ही नहीं बताएगा। ये तो मैंने इसमें बहुत कुछ करा हुआ है, मेरे पास तो बहुत अपडेटेड सॉफ्टवेयर है, इसके लिए आपको बड़ी कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। नहीं यार, ये बड़े टाइम बाद हमें भी पता चलिए, क्यों फंसोगे, आप चीज को समझो ना। चलो मैं ऐसा करता हूँ कि आपके लिए खुद लिखता हूँ, सही है। मैंने अबाउट के फोल्डर को यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करा, अब तो ये तो मसला नहीं है ना, सही है। करंट डायरेक्टरी के लिए डॉट स्लैश अबाउट, सही है, स्लैश उसके अंदर मेरी फाइल का नाम क्या है, कंट्रोल है, कंट्रोल सी, अच्छा तो लिख ही लेते हैं, सही है। समझ आने वाला कॉन्सेप्ट अपना बनाओ कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई कॉन्सेप्ट वहां पे मिस हो रहा हो, अब क्लियर हुआ, ठीक है। अब हमने क्या देखना है कि अगर हम जहाँ पे खड़े हुए हैं वहां से बाहर कैसे जाना है, ठीक है। और अभी डबल जी डॉट स्लैश, डबल डॉट स्लैश आपको करंट डायरेक्टरी के फोल्डर से बाहर ले जाएगा, ठीक है। अबाउट पे गए, मैंने बोला सबसे पहले मुझे बताओ करंट डायरेक्टरी पे क्या है डॉट स्लैश, वो अबाउट डॉट एच टी एम एल बता रहे हैं। अगर हम जाके देखें तो वाकई में अबाउट डॉट एच टी एम एल के अलावा करंट डायरेक्टरी पे कुछ नहीं है, सही है। फोल्डर से बाहर जाने के लिए डबल डॉट स्लैश, उसने बोला ये तीनों चीजें हैं, और होम क्योंकि हमने इंडेक्स को लिखा हुआ है तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल इज आर होम, ठीक है। अब जब मैं इंडेक्स से होम पे जाऊंगा तो वहां पर जब मैं होम पे क्लिक करूंगा तो मुझे वापस आना चाहिए। सेव किया, रिफ्रेश करा, ठीक है। अबाउट पे गया मैं, अबाउट स्क्रीन, और मेरे पास लिस्ट आ रही है सारी। होम पे क्लिक करा, मैं वापस आ गया। बैक नहीं करा मैंने, दोबारा देखो, अबाउट पे क्लिक किया, अबाउट पे गए, ठीक है, और होम पे क्लिक करा तो वापस आए, कैसे, दोबारा देखो, डॉट स्लैश करंट डायरेक्टरी पे ये रखा हुआ है, हमें फोल्डर से बाहर जाना है, डबल डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, क्योंकि होम हमने नाम रखा हुआ है इंडेक्स की फाइल का, सही है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अबाउट पे तो कुछ नहीं करेंगे, कॉन्टेक्ट का क्या करेंगे, करंट डायरेक्टरी चेक करें, डॉट स्लैश इसमें कुछ नहीं करना, फोल्डर से बाहर जाएं, डबल डॉट स्लैश फाइल का नाम नहीं, जो इस फोल्डर में आपको जाना है, कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल, समझ आया। सर ये जो अबाउट में है डबल डॉट वो स्टैक लगेगा, स्टैक नहीं स्लैश, स्टैक आगे बताओ। अबाउट में जाने के लिए नहीं, करंट डायरेक्टरी के लिए डॉट स्लैश, और फोल्डर से बाहर जाने के लिए डबल डॉट स्लैश, बस ये याद रखना। हाँ कॉन्टेक्ट, चल कॉन्टेक्ट वाला चला के देखें पहले। सेव किया, रिफ्रेश करा, ठीक है। अबाउट से कॉन्टेक्ट में जाना है, अबाउट में गए, अबाउट स्क्रीन, कॉन्टेक्ट पे क्लिक करें, कॉन्टेक्ट स्क्रीन आ गई, यहां तक क्लियर है। दोबारा लिंक्स पर, दोबारा अबाउट स्क्रीन पर आ गए। अब बताओ यहां से जो है प्रोफाइल में कैसे जाना है, आप बताओ। तो बैक करना है, बैक नहीं करना,
करंट डायरेक्टरी को कैसे चेक करेंगे? डॉट स्लैश, डबल डॉट स्लैश, करंट डायरेक्टरी पे हमारे काम का कुछ नहीं है। फोल्डर से बाहर कैसे जाएंगे? डबल डॉट स्लैश, सिर्फ ये भाई बताएंगे अभी। डबल डॉट स्लैश, अब आप कहाँ जाएंगे? देखो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में नहीं जाना, मुझे प्रोफाइल में जाना है और प्रोफाइल कॉन्टेक्ट के अंदर पड़ा हुआ है। देखो आप अभी आ गए फोल्डर से बाहर, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि मेरी जो रिक्वायर्ड फाइल है वो किस फोल्डर में है। अभी यहाँ पर अगर जितनी फाइल्स दिख रही हैं वो है कॉन्टैक्ट में। मैंने कॉन्टैक्ट लिखा, उसने मुझे बता दिया कि भाई कॉन्टैक्ट की डायरेक्टरी में आपके पास ये दो चीजें हैं, मुझे प्रोफाइल में जाना है। मैंने प्रोफाइल सेलेक्ट करा, उसने बोला कि आपकी करंट डायरेक्टरी में ये है, मैंने बोला यही चाहिए। सर वो उसके नीचे इतनी सारी वो चीजें आ रही थी, वो क्या था? वो सजेशन थी, वो आगे वाले कामों में आपको यूज करोगे। सर मैं भी उलझ जाऊंगा। सही है, रिफ्रेश करा और अब प्रोफाइल पे अगर मैं जाऊं तो सक्सेसफुली वर्किंग फाइन, ठीक है। अच्छा अब बताओ क्या इंडेक्स का? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, डॉट स्लैश चाहिए। डॉट स्लैश का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा। इंडेक्स एचटीएमएल पे अप्लाई करना है या दोनों की इंडेक्स एचटीएमएल पे अप्लाई होगी? जहां ए का टैग लगा हुआ है, सही है, जिस पेज पे भी, और आपने जो है अपने साइट्स के अदर पेजेस पे जाना है, आप ए का टैग लगाओगे और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स यूज करोगे। जैसे कि हमें अबाउट, अभी देखो मैंने इंडेक्स के अलावा अबाउट की फाइल में लगाए ना, क्योंकि मुझे उधर से भी आगे पीछे जाना है, अबाउट पे भी जाना है, प्रोफाइल पे भी जाना है, कॉन्टेक्ट पे भी जाना है। अबाउट में सब चीजें नहीं, जहां आपको यूज करना है वहां वहां हर जगह, ठीक है। अभी ये सब काम हम कहां करेंगे? कॉन्टेक्ट में भी करेंगे और प्रोफाइल में भी करेंगे, ठीक है। आते हैं किस पे? कॉन्टेक्ट पे। इस पूरे यूएल को मैंने कॉपी करा, कॉन्टेक्ट डॉट एचटीएमएल पर आए, इसको कॉपी करा और सारे पाथ में खत्म करता हूँ। नहीं नहीं सब दोबारा से बताएंगे, ठीक है। डॉट्स, अब मैं कॉन्टेक्ट की फाइल पर हूँ, मुझे आना है होम पर। करंट डायरेक्टरी चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे? डॉट स्लैश, ठीक है, डॉट स्लैश, डॉट स्लैश पे तो वो हमें बता रहे हैं कि भाई ये दो चीजें पड़ी हुई, ये तो हमारे काम की नहीं है, तो फिर अब क्या करेंगे? इसी के बाद लगा दूं? नहीं मिटा के, सही है। डबल डॉट स्लैश, सही है। अबाउट, अबाउट क्यों? होम पे जाना है, होम के लिए हमारे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। क्लिक कर लिया, जाके देखें, सेव किया, रिफ्रेश, कॉन्टेक्ट पे गए, हमारी लिस्ट वहां पर रेंडर हुई भी है, और होम पे क्लिक करा तो वापस आ गए, ठीक है, ठीक है। वापस आते हैं, अब मुझे जाना है कॉन्टेक्ट से अबाउट पे। आप बताओ, आप डॉट स्लैश, वो मुझे बता रहे कि भाई आपके पास करंट डायरेक्टरी पे ये है, हमारे काम के नहीं है। अब हटाया, डबल डॉट स्लैश, अब कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल, यहाँ नहीं जाना, हमें अबाउट पे जाना है। वापस आओ, डबल डॉट स्लैश, अबाउट, अबाउट डॉट एच टी एम एल, क्लियर हुआ। जिस फोल्डर पे जाना है उस फोल्डर का नाम, उसके अंदर जिस फाइल पे जाना है उस फाइल का नाम। हमें पता होना चाहिए कि किस फोल्डर में। आपने फोल्डर जरूर खुद बनाया तो आपको पता होगा, ये आपके सामने मैंने फोल्डर खुद बनाया ना, तो मुझे पता है। बस ये मसला ये हो रहा है कि मुझे वो सजेशन दे रहा है, ठीक है। खुद लिखना पड़ेगा, आपको कभी भी नहीं बोलेगा, ठीक है। चलो अब हम अबाउट पे जाके देखें, सेव किया, रिफ्रेश करा, पहले हम कॉन्टेक्ट पे जाएंगे, कॉन्टेक्ट से अबाउट में जाएंगे। कॉन्टेक्ट में गए, कॉन्टेक्ट स्क्रीन, अबाउट पे क्लिक करूं तो वहां जाना चाहिए, अबाउट पे क्लिक किया तो अबाउट की स्क्रीन पे चला गया, क्लियर है। चलो भाई अब बताओ, कॉन्टेक्ट पे तो हमने नहीं जाना, हम उसी फाइल पर हैं, प्रोफाइल पे जाना है। करंट डायरेक्टरी के लिए क्या यूज करेंगे बताओ, आप बताओ। डॉट स्लैश, यहाँ हमारे काम का आइटम है नहीं है, कहाँ जाना है? प्रोफाइल पे जाना है, प्रोफाइल है ना, प्रोफाइल से यहीं पे गए आगे,
प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल, खत्म कहानी, सेव किया, रिफ्रेश करा और प्रोफाइल पे क्लिक करने से प्रोफाइल स्क्रीन पर चले गए। प्रोफाइल पे लिंक लगाते हैं अब सारे, कॉपी किया, ठीक है, प्रोफाइल हम एम्प्टी रखेंगे, बाकी तीन हम इसमें यूज करेंगे। अच्छा, होम के लिए क्या यूज करेंगे, डबल डॉट स्लैश, इंडेक्स तो है नहीं यहाँ पे, डॉट स्लैश आएगा फिर उसका, अब क्या करेंगे, होम पे जाना है, डॉट स्लैश इस्तेमाल करेंगे, डॉट स्लैश यूज करूँ, डॉट स्लैश हम प्रोफाइल में खड़े हुए हैं और हमें होम पे जाना है, डबल डॉट स्लैश, अब ये वाला एंड वाला। अच्छा, आगे की आगे क्या लिखूं मैं, देखो मेरी बात को गौर से सुनो, एक मिनट मेरी बात गौर से सुनो, सबर करो जरा। कॉन्टेक्ट में गए, प्रोफाइल पे गए, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, सही है, मुझे फोल्डर से बाहर जाना है, दो दफा इस्तेमाल करेंगे, डबल डॉट स्लैश यहाँ पर आया, डबल डॉट स्लैश यहाँ पर आया, यहाँ पर दोबारा आओ देखो, डबल डॉट स्लैश जी, और यहाँ से आने के लिए दोबारा डबल डॉट स्लैश, ठीक है, आओ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा चार डॉट एक्सेल लगाएंगे ना, नहीं नहीं भाई, डबल डॉट स्लैश, सही है, और दोबारा डबल डॉट स्लैश, हमें जाना है यहाँ पर, डबल डॉट स्लैश एक फोल्डर से बाहर, उसी फोल्डर से ऊपर जाना है तो डबल डॉट स्लैश, तीसरे से भी ऊपर जाना है तो डबल डॉट स्लैश, जितने मर्जी इधर उधर घूमने डबल डॉट स्लैश, सही है, जितने फोल्डर होंगे उतने डबल डॉट स्लैश, सही है, ठीक है। अब अगर क्या हुआ, नहीं तो ये जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो ये तो आपका काम होगा, मेन लिंक कराने के लिए, नेविगेशन कैसे कराओगे, नेविगेशन ऐसे ही बनेगी, नहीं, आप इनिशियली ऐसा लेके चलोगे तो आपको आगे जाके मसला नहीं होगा, अब क्या मसला हो रहा है तुम्हें, आप मैं बताऊं मसला क्या कर रहे हो, आप मसला क्या कर रहे हो, आप याद कर रहे हो, आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे, देखो इधर आओ, प्रोफाइल के फोल्डर में चलते हैं, प्रोफाइल के फोल्डर में गए, अब मुझे यहाँ से होम पे जाना है, फोल्डर से बाहर जाने के लिए क्या करेंगे, डबल स्लैश नहीं डबल डॉट स्लैश, डबल डॉट स्लैश किया, मैं यहाँ पर आ गया, यहाँ पर भी मुझे होम की फाइल नहीं है, अब फोल्डर से बाहर जाने के लिए क्या करेंगे, डबल डॉट स्लैश यहाँ पर आके इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, सही है, क्या लिखा है मैंने, डबल डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, अब क्लियर है, फोल्डर दो थे ये बात है, ठीक है, हाँ अब आप बताओ अबाउट पे कैसे जाएंगे, बताओ कोई और नहीं बताएगा, जी डॉट स्लैश नहीं आ रहा, डबल डॉट स्लैश बोलो बोलो, प्रोफाइल वहां पे भी नहीं है, देखो जब आपको अपनी डायरेक्टरी में कुछ नहीं मिल रहा तो उस फोल्डर के भी बाहर आओ ना, मैं दोबारा बाहर आता हूँ, डबल डॉट स्लैश, अब मुझे नजर आ रहा है अबाउट का फोल्डर सिलेक्ट करा, अबाउट डॉट एच टी एम एल, क्या किया, एक फोल्डर से बाहर आया, दूसरे फोल्डर के बाहर आया, अबाउट का फोल्डर सिलेक्ट करा, अबाउट की फाइल सिलेक्ट करी, आओ दोबारा बताओ, अब बताओ दोबारा बताओ, डबल डॉट स्लैश किस लिए, अबाउट में आने के लिए नहीं, फोल्डर से बाहर जाने के लिए, डबल डॉट स्लैश आगे किस लिए, फोल्डर से बाहर आने के लिए, फोल्डर से बाहर आने के लिए, डबल डॉट स्लैश, आप कुछ दिख रहा है,
क्या सिलेक्ट करूं, अबाउट और अबाउट डॉट एच टी, अब जाएगा, सेव किया, आ गई चीजें, अबाउट पे क्लिक करूं, जाना चाहिए, जा रहा है, जबरदस्त हो गया। हाँ बताता हूँ, ठीक है अब इधर आओ, किस पे, कॉन्टेक्ट पे, आप बताओ कॉन्टेक्ट का, और कोई नहीं बताएगा, आपने नहीं बताना, ये भाई बताएंगे, ठीक है, कॉन्टेक्ट, हमें प्रोफाइल से कॉन्टेक्ट पे जाना है, बताओ, जाहिर है बैग ही जाना है, तो ये फोल्डर अंदर है, डॉट स्लैश, डबल डॉट स्लैश, डबल डॉट स्लैश, क्यों, डबल डॉट स्लैश, कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एस, अब मुझे ये बताओ, सबर करो, ये आपने लिखा है, मैं इस लाइन को कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि ये आपकी लाइन है, सही है, मैंने इसी लाइन को कॉपी किया और नीचे लाके मैं कमेंट खोलता हूँ और अब मैं इसमें से पाथ रिमूव करता हूँ, ठीक है, डबल डॉट स्लैश, ठीक है, जब मुझे कॉन्टेक्ट के फाइल पे जाना है और जब यहीं मिल रही है तो मैं यहीं से क्यों ना जाऊं, मैं घूम फिर के क्यों जा रहा हूं, मुझे तो वो यहीं से मिल रही थी, आपने देखा ही नहीं, वो सही है पर आप देखो तो सही, फोल्डर स्ट्रक्चर तो देखो आप, सही है, जाके देखते हैं, सेव किया, अब प्रोफाइल में मैं कॉन्टेक्ट पे क्लिक करूं तो उसको वहां जाना चाहिए, जा रहा है, क्लियर, क्या ये अपडेट हो रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है, सब रिकॉर्ड हो रहा है, वो भी नहीं, वो नहीं, इतना वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा, मेरी यार इतना नहीं पता चलेगा, इतना नहीं पता चलेगा, ऑन हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, सही है, चलो उस बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है, अब जो है, अब हम जिस फोल्डर में भी जाएंगे, बताता हूँ, वो इस वजह से आ रहा है, आप इधर आओ, मैं किस पे खड़ा हुआ, कॉन्टेक्ट के अंदर प्रोफाइल पे, मैं फोल्डर से बाहर आया, कॉन्टेक्ट की फाइल तो यहीं रखी हुई है, इस वजह से यहीं पर, वो यहीं से उठा के दे रहा है, ठीक है, अब मैं जब रिफ्रेश करूंगा ना और किसी भी फाइल पे जाऊंगा तो हर जगह से हर जगह जाएगा, मैं प्रोफाइल पे खड़ा हुआ हूँ, अबाउट पे क्लिक करा, वहां भी जा रहा है, अबाउट से कॉन्टेक्ट पे गया, वहां भी जा रहा है, होम पे गया, वहां भी जा रहा है, प्रोफाइल पे गया, वहां भी जा रहा है, होम पे गया, हर जगह जा रहा है, सही है, आप क्या कह रहे हो, लास्ट वाला, देखो सपोज करो मेरे पास जो है रूट डायरेक्टरी पे एक फोल्डर पड़ा हुआ है अबाउट, और मुझे उसकी फाइल पे जाना है, ठीक है, तो उसके लिए रूट डायरेक्टरी पे मैंने लिखा डॉट स्लैश और अबाउट का फोल्डर स्लैश अबाउट डॉट HTML, हाँ इसको जरा दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, अब सपोज करो इसके अंदर एक फोल्डर है कॉन्टेक्ट का, उसके अंदर मुझे जाना है कॉन्टेक्ट की फाइल पे, ठीक है, डॉट स्लैश, हाँ अब क्लियर हुआ जी, जो मर्जी रखो, अपने नाम रख लो, वो भी जाएंगे, सही है, अब मुझे सपोज करो अबाउट के अंदर एक कॉन्टेक्ट का फोल्डर होगा और कॉन्टेक्ट के अंदर कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल, उस पर जाना है डॉट स्लैश अबाउट, अबाउट के अंदर है कॉन्टेक्ट और स्लैश कॉन्टेक्ट स्लैश कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल, सर ये पहले वाले में पहले वाले इसमें और इसमें, हाँ? भाई ये तो आपको करंट डायरेक्टरी बता रहे थे, बस बस, और ये जो है आपके फोल्डर से बाहर जाने का वे, ये सही है, और ये जो है डॉट स्लैश करके आपको जिस फोल्डर में जाना है वहां जाने का तरीका है, सही है, और ये जो है करंट डायरेक्टरी पे जो फोल्डर है वहां उसके अंदर जो फाइल है वहां जाने का तरीका, जो टाइप कर दे दो जी, मतलब अगर नया प्रोफाइल है तो डॉट स्लैश डॉट अबाउट डॉट एच टी या जो भी प्रोफाइल है, कॉन्टेक्ट से प्रोफाइल में जाना है डॉट स्लैश कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट स्लैश प्रोफाइल
प्रोफाइल डॉट स्ट्रीम। हाँ तो देखो सिस्टम चल रहे हैं, चला कर देखो आप भी अपने। नहीं चल रहे सर, अभी तक एक घंटा हो गया है, ये सारे चल रहे हैं, चलाओ जरा ये दोबारा दिखाते हैं। देखो इधर कंसंट्रेट करो सारे, ये मेरा क्लास थ्री का रूट का फोल्डर है, क्लास थ्री का फोल्डर बनाया, ये मेन फोल्डर है, फोल्डर जैसे बनाया। क्या ठीक है, ये मेरा मेन फोल्डर है जिसके अंदर ये मेरी फाइल है index.html, ठीक है। यहाँ से अभी मुझे जाना है, पहले मुझे करंट डायरेक्टरी देखनी पड़ेगी कि करंट डायरेक्टरी पे क्या है। करंट डायरेक्टरी के लिए मैंने लिखा .slash, उसने मुझे ये तीनों बता दी। मैंने बोला मुझे अबाउट में जाना है, अबाउट लिखा, अबाउट स्लैश अबाउट डॉट एच टी एम एल, क्लियर है, सही है। अब मैं अबाउट पर हूँ, मुझे देखनी है करंट डायरेक्टरी, मैंने लिखा .slash, उसने बोला अबाउट की फाइल पड़ी हुई है, सही है। तो अब मुझे जो है फोल्डर के बाहर आना है, .slash, उसने मुझे ये बताया किसी काम का नहीं है, .slash फोल्डर से बाहर आ गई, क्लियर है। चलो फोल्डर बनाओ और शुरू हो जाओ। ट्राई करो, आपका चल रहा है, तुम्हारा भी नहीं चल रहा। मामा तुम्हें समझ में आया, बताओ बिल्कुल। लगाओगे जहाँ जो भी फाइल पकड़ोगे ना उसके लिए डॉट एच टी एम एल लाजमी लगाना है, वरना उसको फाइल का एक्सटेंशन तो मिला ही नहीं। बिल्कुल ऐसे यहाँ जो मैंने न्यू फोल्डर बनाया अबाउट, इसमें जो डॉट एच टी एम एल, बिल्कुल दोनों में मुझे लगाना है। नहीं एक अबाउट का हुआ, अबाउट उसके साथ में डॉट एच टी एम एल नहीं लगाना, फोल्डर पे नहीं लगाना, फोल्डर के अंदर फाइल बनेगी उस पे लगाना। ये देखो जैसे ये मेरे पास अबाउट है, अबाउट का फोल्डर, इसके अंदर गया तो अबाउट डॉट एच टी एम एल, ठीक है। कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट के अंदर कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल, इसके अंदर एक फोल्डर बनाया प्रोफाइल, प्रोफाइल के अंदर प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल, क्लियर है। बाकी कंसेप्ट क्लियर हुआ, चलो प्रैक्टिस करो। हाँ वो इस वजह से कि जब आप कोई अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट बनाओगे, कोई बड़ी वेबसाइट बनाओगे और किसी को बेचोगे या होस्ट करोगे, होस्ट मतलब .com करके कुछ लगाना हो ऑनलाइन होस्ट करने के लिए, तो वो जो है ना आपके रूट डायरेक्टरी पे, रूट डायरेक्टरी क्या मतलब, ये रहा आपका रूट डायरेक्टरी, वहां पर सिर्फ एक नाम ढूंढता है, अगर वो नाम मिल जाए तो उस नाम पे जाके होस्ट कर देता है, अगर वो नाम उसको ना मिले तो होस्ट नहीं करता। उस होस्टिंग का जो नेम है वो है index.html जी, इनिशियल जो सबसे रूट की फाइल है उसका नाम index.html ही रखेंगे। बोलो भाई, वो आप खुद ही लिखो, खुद लिखो, पूरा लिखो, मैं खुद ही लिखा था वो, लेकिन वो क्या नहीं कर रहा था, तो वो इसलिए क्योंकि आपने अपनी फाइल को जब इस तरह बनाओगे ना, देखो ये देखो मैं बता रहा हूँ, मैंने इसको किया रीनेम, एंटर मार दिया, तो ये टेक्स्ट की फाइल है, ये एचटीएमएल की फाइल नहीं है। आपने ये किया होगा, डॉट एचटीएमएल लिखना आगे जरूरी है सर, लेकिन मैंने अपनी कितनी फाइलें बनाई हैं, डॉट एचटीएमएल नहीं लिखा, मैंने अपना नाम लिख के जाए। अब इधर बंदे कितने बैठते हैं उन पर भी तो डिपेंड है, फाइलें बनी भी पड़ी भी होंगी, क्या पता सर, तो मेरा नाम नहीं है ना। हाँ ये बात भी है, तो कोई ऐसा हो तो तस्वीर भेजा करो ना ग्रुप में यार, लेकिन मैंने इसको बना के पता, लेकिन अभी बता भेजो, एक मिनट आ रहा हूँ मैं, यहाँ से फोल्डर बनाओ, न्यू पे क्लिक करो, न्यू बनाया,
न्यू न्यू पे क्लिक करो, यहाँ फोल्डर पे क्लिक करो, यहाँ अपना नाम लिख दो जो भी है, सही है, एंटर मारो, सही है। अब इसको एक मिनट, अरे आपने फोल्डर कहाँ बनाया है? डेस्कटॉप पे ही बनाया ना, यहीं पे बनाया है? कहाँ पे बनाया है? सी में बनाया है? किससे बनाया है? अगर मैं बैग जाऊँ, अच्छा सी में बनाया, अमान उसमें वो है, ठीक है, ओके। यहाँ से मैंने ये खोला, इस पे मैंने किया होल्ड ऑन, क्या एक मिनट सबर करना, ओपन फोल्डर, ओपन फोल्डर के लिए आप गए किसमें, आपके सी में, सी में आपका नाम कहाँ पड़ा हुआ है? क्लास थ्री में गए, अमान सिलेक्ट फोल्डर, डोंट सेव, ठीक है। अब आपका फोल्डर यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, सही है, ठीक है। अब स्टार्ट करो, अब मैंने आपको यहाँ पे लिखो index.html index.html एंटर मारो, ये एक आपकी मेन फाइल बन गई, सही है। अब आप यहाँ पर आए, कहाँ पर जो आपका फोल्डर था, जाओ जरा दिस पीसी, सही है, आप गए सी में, क्लास थ्री में, अमान में, मैंने व्यू करके लाज आइकन करे, यहाँ पर दो फोल्डर बनाओ, किसके अबाउट और कॉन्टेक्ट के, या ऐसा करो आप अपने अपने किसी नाम के बना दो, उनके अंदर उनकी फाइलें, उनके दोनों के अंदर एक एक फोल्डर, और फिर उधर से इधर भी आना है, उधर भी जाना है, हर पेज से हर जगह जाना है। अबाउट के अंदर मैं अबाउट की वो बनाऊंगा, सही है, कॉन्टेक्ट के अंदर मैं कॉन्टेक्ट का भी बनाऊंगा, और प्रोफाइल का भी बनाऊंगा, प्रोफाइल के अंदर एक सब प्रोफाइल भी बनाओगे, उधर से भी बाहर आना, तीसरे फोल्डर से बाहर आने के लिए डबल डॉट स्लैश डबल डॉट स्लैश डबल डॉट, सही है। बाकी किसी को क्या इश्यू है? हाँ बोले, वो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, लेकिन अभी समझ आया? चलो आएगा, अच्छा आपको आया, प्रैक्टिस कर रहे हो आप, उसके साथ इनके साथ बैठो, आपको क्लियर हुआ? जी, और उसके अंदर भी आप एक फोल्डर बनाना, यस, आप जो है, मैं जो सबसे लास्ट फोल्डर होगा प्रोफाइल, आप उसके अंदर भी एक फोल्डर बनाओगी अपनी प्रैक्टिस के लिए, कि उससे बाहर कैसे आना, ठीक है। सब सब प्रोफाइल बना दिया उसका नाम, और उधर से भी आप लिंक, ये वाले सारे लिंक लगाओगी, उधर से बाहर कैसे आना वो भी देखेंगे, ठीक है। इसको अपने साथ बिठाओ ताकि शुरू कर दो। हाँ भाई क्लियर है? है जो ओल्ड फोल्डर थे इसके अंदर मैंने इसके बारे में बना, कौन सी आपका आपका फोल्डर कहाँ है? ये इसके अंदर जाओ, इसके अंदर बनाओ, मेन फाइल आपकी यही होगी और बाकी फोल्डर भी आपके यही होंगे। जी क्या करूँ? फोल्डर कहाँ है आपका मेन? मेन फोल्डर कहाँ है? वहां से दिखाओ, ये जो ये है, यहाँ से मेन फोल्डर कहाँ है? ये रहा जिसका नाम है क्लास फोर, सही है। यहाँ पे आपने कॉन्टेक्ट के अंदर कॉन्टेक्ट बनाया, अबाउट बनाया, प्रोफाइल बनाया, सही है। इसके अंदर जाओ, सही है, बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल सही है। अब इनको कनेक्ट तो कराओ, लिंकिंग कराओ, हर जगह पे लिस्ट लगाओ। हाँ हाँ करो, करो, हो रहा है भाई, वो आपको खुद ही लिखना है पूरा, आप ये तीन लाइनें मिटा दो मेटा की। जी एक मिनट, बोलो बोलो, फोल्डर के अंदर बनाया, उसके अंदर फोल्डर के अंदर नहीं, जो आपका मेन फोल्डर होगा वहां आपके दो फोल्डर बनेंगे, कॉन्टेक्ट और अबाउट, ठीक है। सही है, अब वो जो प्रोफाइल वाले वो कौन से मेरे अपने कॉन्टेक्ट के अंदर रखना है, कॉन्टेक्ट डाटा इसके अंदर, नहीं 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 यहाँ एक फोल्डर बनाओगे, सही है, समझ गए? चलिए देखें, कॉन्टेक्ट और अबाउट ही मेन फोल्डर में आ गया, सही है। अब कॉन्टेक्ट के अंदर जाओ,
कॉन्टेक्ट के अंदर, अबाउट से बाहर आओ भाई, यहाँ से बाहर आते हैं, यहाँ से सही है, कॉन्टेक्ट में जाओ, यहाँ एक फोल्डर बना दो प्रोफाइल का, उसके अंदर प्रोफाइल की फाइल आएगी। हाँ कोई इशू आ रहा है? किसमें? देखो ये आपकी मेन फाइल इंडेक्स की, कॉन्टेक्ट और अबाउट, सही है। कॉन्टेक्ट के अंदर कॉन्टेक्ट का ये क्या है, अच्छा प्रोफाइल है, कॉन्टेक्ट की अभी फाइल नहीं बनाई है, प्रोफाइल के अंदर सब प्रोफाइल है, सही है। सही है, लिखो भी कोड, एक मिनट, ये आपने कहाँ बनाया, डेस्कटॉप पे बनाया, डेस्कटॉप पे बनाया, क्या नाम है फोल्डर का, क्लास, क्लास थ्री, ओके सही है। यहाँ पर आपके पास ये जो नेविगेशन बार है, इनमें पहला ऑप्शन है फाइल बनाने का, दूसरा ऑप्शन है फोल्डर बनाने का, ठीक है। लेकिन अगर आप फाइल पे क्लिक करो तो वो आपको बता रहा है ओपन फोल्डर, सही है। इस पे मैंने क्लिक करा और मैं किस पे गया, डेस्कटॉप पर गया, क्लास थ्री देखो मिल रहा है, ये रहा, मैंने इसी को सिलेक्ट करना है, कर लिया, ठीक है। और ये आपकी इंडेक्स की फाइल है, अब हो जाएगा, कोशिश करो, मतलब होता तो बता, खोलूं कोड, खोलूं ना, कोड नहीं सर, वो इमेज खोलो जो आपने बनाई है, कोड सब छाप देंगे, चूना लगा देंगे, ये नहीं नहीं, नहीं कोई बात नहीं, इसको इसको देखने दो, ये वाला देख लो, उसके अलावा कोई और चीज नहीं देखो लूंगा, बचा क्या सर, चलो ना कोई बात नहीं, सीख जाएंगे बच्चे, तुम्हारा हो गया, बताओ भाई दूसरे फाइल नहीं खुलेंगी, ये वाली फाइल मैंने खोल दिया, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस, हाँ बताओ इसको पहले दिखाओ जो रेंडर क्या हो रहा है, HTML की फाइल इसी वजह से तो नहीं आ रही, दिखाओ क्योंकि तुमने HTML.txt लिखा हुआ है भाई साहब, टेक्स्ट वो आया खुद ही, आया खुद ही है, तो उसको तो उसको सही करो ना, कैसे करते हैं वो तो पूछने बता रहा हूँ, वही तो हाँ, अबे भाई ये कौन सा फोल्डर खोला हुआ है, मैंने अपना बनाया नया फोल्डर, ये देखो कहाँ पर डालना है, वो कॉमा भी डालना है, यह डॉक्यूमेंट्स और यहाँ पे ये सही है, तुमने फोल्डर ही गलत खोला हुआ है, यहाँ पर आओ फाइल में, ओपन फोल्डर, डॉक्यूमेंट्स, ये तुम्हारा है, देन रीनेम, ये है HTML की फाइल, अभी इंडेक्स के अंदर ये सारे पहले प्रोफाइल बनाओ ना, इस कॉन्टेक्ट के अबाउट, बिल्कुल पहले लिस्ट बनाओ, उसके अंदर ए बनाओ, ए, एक मिनट, जब भी आप कोई एट्रीब्यूट एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालोगे ना, उसके उसको स्पेस करके डालोगे, अच्छा, और एक एक वो नहीं लगेगा, पहली बात तो ये कि आपने इसका क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं लगाया, ए टैब आ गया, HREF इसके अंदर वैल्यू है, हाँ क्या नहीं खुल रहा, हाँ फोल्डर तुमने गलत सिलेक्ट करा हुआ है, अबे तुम कौन सी जगह पे चले गए, एक मिनट सबर करो, यहाँ से बताओ तुम्हारा फोल्डर कहाँ है, यहाँ से बताओ, जी में है, सी में, जी में है, सुनिए क्या, जी में गए, यहाँ पे बताओ तुम्हारा फोल्डर कौन कौन सा है, ये थोड़ी सी में, जी में ना फोल्डर है, ये वाला है, जी में है, एचटीएमएल में है, क्लास 3 यही है ना, जी क्लास 3 को सिलेक्ट करा और सिलेक्ट फोल्डर, यस
सही है। और यहाँ पर ये रही तुम्हारी इंडेक्स वन की फाइल। इंडेक्स वन में तुमने फाइल ही नहीं बनाई भी, ये तुमने इसको फोल्डर बनाया हुआ, फाइल फाइल नहीं बनाई भी। सर मैंने तो इंडेक्स फोल्डर एचटीएमएल किया वो। यार क्या आ रहा है, क्या हो रहा है, हो क्या रही है, ये सिस्टम में क्या है? सर ये सिस्टम है सर, मेरे वो आ ही नहीं रहे। अबे भाई इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करा और रूट पे गए, फाइल index.html, ये आपकी फाइल बनी। अभी यहां से बनाएंगे, बिल्कुल बैक किया मैंने, क्लास 3 में गए, गलत जगह बन गई है, कॉन्टेक्ट में गए, इसको मैंने किया x, बाहर आए यहाँ रखा, यहाँ से बनाएंगे। सही है, अब यहाँ से शुरू करो, सबर करो, सबर करो। कॉन्टेक्ट में भी यही नहीं खुलेंगे फिर तो, उनको उनके अंदर फाइलें तो बनाओ तभी तो खुलेंगी। अब यहाँ से इसमें बनाऊंगा, देखो ये तुम्हारी इंडेक्स फाइल आ गई मेन, तुम कॉन्टेक्ट में भी बनाओगे, ये तुमने फोल्डर बनाए हुए, फाइलें नहीं बनाई हुई, तुमने गलत बना दी है। ये फाइल जो यहीं से यहीं बनेगी, मैंने सोचा उधर, तुम फाइलों के बजाय फोल्डर बना रहे हो। यहाँ मैं पहले यहाँ बनाऊंगा फिर ये बनाऊंगा ना, पहले उधर फाइल बनाओगे, उधर फाइल बनाऊंगा जी। तो भाई इस तरह नहीं खुलेगा, एक मिनट, अबाउट ये रहा, आप उस अबाउट पे क्लिक करके ये आया, अब लिखो about.html .html, एंटर मारो, ये फाइल बन गई। एक बना लो, उसके बाद खुद ही देखना। अब यहाँ पे जाओ, अब इसमें अबाउट का जो है पास दो, या पहले अबाउट लिखो इसके अंदर, इसके अंदर एक के बीच में है, एक के बीच में, हाँ लिखो अबाउट, लिखो अबाउट, सही है। अब यहाँ पे आओ बीच में, करंट डायरेक्टरी कैसे चेक करते हैं, जो करंट फोल्डर में क्या क्या पड़ा हुआ है, डॉट स्लैश स्लैश, उसने आपको बोला कुछ नहीं पड़ा हुआ, डबल डॉट स्लैश में जाओ, इधर नहीं देखना था, इधर नहीं देखना, तुम गलत जगह दिख रहे हो, हम लिखेंगे यहाँ पर करंट डायरेक्टरी पे लिखा डॉट स्लैश, उसने बोला ये सब पड़ा हुआ है, ठीक है। अब अबाउट और अबाउट डॉट एच टी एम एल, समझ में आ रहा है, अभी तक तो आ रहा है, हाँ बोलो, आ रहा हूँ, हटा दो, ये हटा दो, इनका कोई काम नहीं, हटा दो, लैंग भी हटा दो, लैंग भी हटा दो, लाल डालना था ना भाई, आप देखो ना वो तो लिखे हुए यार, नहीं नहीं इधर भी डालेगा, पहले अवार्ड बनाया, कॉन्टेक्ट बनाया, अवार्ड करने कुछ भी नहीं, कॉन्टेक्ट करने प्रोफाइल और कॉन्टेक्ट, सही है, बिल्कुल सही है, और यहाँ पे फिर ये इसी तरह आएंगे, बिल्कुल सही किया है। हाँ बताओ कहाँ गलती की है, कहाँ गलती करी है, ये तो खुद बतानी है ना यार, रेंडर क्या नहीं हो रहा, कुछ भी एक मिनट इतना तो हो गया मगर कुछ हो नहीं रहा है। हाँ तो वो तो देखो ना, ये देखो कुछ हो क्यों नहीं रहा, वो देखो आप इसको देखो और उसको देखो गौर से, और पे खुद करो, ये टारगेट तो नहीं लगाया मैंने, नहीं नहीं टारगेट तो उस लिए है कि कोई लिंकिंग वेबसाइट अदर जगह पे खोलने के लिए, उसको छोड़ो, इसे तो नहीं आ रहा, Thank you.
हो गया चला इससे काम कर लो अलग खोल ये भी काम करेगा पहले दिखाओ रेंडर क्या हो रहा है जाओ अब और पे जाओ और पे नहीं जा रहे तुम्हारा जाओ कोड दिखाओ पहले अब और की फाइल दिखाओ
अगर जब कुछ लिखा नहीं होगा तो बात तो चला जाएगा, लेकिन कुछ लिखा नहीं है तो शो भी नहीं करेगा। अब समझे, लिखना हर फाइल में, इधर भी इधर भी इधर भी सब बन गया, ये भी बन गया, ये हमारा खाते थी भाई। आप पहली बार आप अंदर अंदर सबकी वैल्यू को यहां पे कांटेक्ट, यहां पे अबाउट, यहां पे कर देता हूं इसके अंदर, इसके अंदर यहां पे हर किसी के यहां होम, यहां कांटेक्ट, यहां अबाउट, यहां पे ये इस पे जरा रख ताकि कोड नीड एंड नीड लगे। तो आपके फोल्डर में प्रोफाइल और आपको कॉन्टेक्ट पे जाना राइट। ये आपका मेन फोल्डर है, आप करो करो प्रोफाइल पे double dot slash एक बार में लिख रहा है, दिखाओ प्रोफाइल पे आपको जाना है। किस पे देखो, पहले यहां पे नेम से लिख कर फाइल पे वही एक बार नहीं नहीं एक बार नहीं है double dot slash वो अबाउट आ रहा है। आप इंडेक्स की बात कर रहे हो, होम की बात कर रहे हो, अबाउट तो यहां पड़ा हुआ। आप होम की बात कर रहे हो, होम के लिए डबल डॉट स्लैश ये रहा स्लैश कॉलेज। आ रहा